अस्सलाम वालेकुम माई टू फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे से होंगे। रूबीज़ कुकिंग के एक और रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम ड्रम स्टिक और फिश करी बनाएंगे, जो साथ में बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बनाना बताऊंगी। जिसके लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम्स फिश लिया है। आप कोई भी फिश यूज़ कर सकते हैं। मैंने प्यासी फिश का यूज़ किया है। यहाँ मैंने दो बड़े साइज़ के आलू को लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर दिया है। यहाँ मैंने 4 ड्रम स्टिक ले लिया है और 2 बड़े टमाटर को मैंने कट कर लिया है और ड्रम स्टिक को मैंने अच्छे से छील कर छोटे टुकड़े में कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 8-10 लहसुन के कलियाँ ली हैं। 2 हरी मिर्ची ऐड किया है। दोनों को मिक्स करके मैंने पीस लिया है। यहाँ मैं मछली ले लूँगी और कुछ सूखे मसाले ऐड करूँगी मैं फिश में। 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। आधा टीस्पून हल्दी ले लेंगे। मैंने मिर्ची का कम यूज़ किया है फ्राई करने में। आप चाहें तो ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। मैंने 1/2 टीस्पून से भी कम यूज़ किया है। सब में अच्छे से मसाला लगा कर 5 मिनट के लिए हम रख देंगे। जब तक ये हमारा मैरिनेट हो रहा है, हम यहाँ मसाला तैयार कर लेते हैं। हमने अदरक लहसुन और प्याज का जो पेस्ट बना के रखा है, इसमें मसाला सब सूखे मसाले ऐड कर लेंगे। नमक डाल दिया है मैंने 1 टीस्पून। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है। 1/2 टीस्पून हल्दी का यूज़ किया है मैंने। मैं 2 हरी मिर्ची ऑलरेडी साथ में पीस चुकी हूँ, इसलिए मैं तीखी लाल मिर्च यूज़ नहीं कर रही हूँ। साथ में 2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। अगर आप और तीखा खाना चाहते हैं तो इसमें आप तीखी लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक तवा चढ़ा दिया है गैस पे। हम मछली को थोड़ा थोड़ा फ्राई करेंगे। फ्राई करके ही सालन बनाएंगे। तेल को थोड़ा गर्म कर लेंगे क्योंकि मैंने इसमें राई का तेल यूज़ किया है। फिश को हमें ज़्यादा लाल नहीं करना है, अभी सब लाइट कलर चेंज होने तक ही हम इसे फ्राई करेंगे। फिश को एक साइड फ्राई करने के बाद इसे मैं अल्टी पल्टी करके अच्छे से फ्राई कर लूँगी। एक साइड हमारा फ्राई हो चुका था, देख सकते हैं आप सब, मैंने पलटी कर लिया है। अभी मैं सबको निकाल लूँगी एक प्लेट में। इससे मछली टूटता नहीं है। यहाँ मैंने मसाला तैयार करने के लिए कढ़ाई चढ़ा लिया है। हमने जिस पैन में, जिस तेल में फिश को फ्राई किया था, वो तेल हम यूज़ करेंगे मसाला भुनने में, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें 1/2 टीस्पून मैंने मेथी दाना डाल दिया है। जैसे ही मेथी दाने का कलर चेंज हो जाएगा, हमने जो मसाला तैयार करके रखा है वो ऐड कर देंगे। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है लेकिन टेस्ट में बहुत ही अच्छा होता है। हमें गैस का फ्लेम मीडियम करके कम से कम इसे मुझे 10 मिनट तक फ्राई करना है। मसाला जले नहीं, इसलिए मैंने इसमें 2 से 3 टीस्पून पानी ऐड कर दिया है कि अच्छे से भून जाए मसाला। कंटिन्यू भूनने के बाद, जब तक वो तेल रिलीज़ ना हो जाए, तब तक हमें अच्छे से भूनना है मसाले को, क्योंकि हमने इसमें प्याज को पीस कर ऐड किया है। मसाला अच्छे से भूनना ज़रूरी हो जाता है।
देख सकते हैं आप सब कितने अच्छे से मसाला भून चुका है, ऑयल भी अच्छा खासा रिलीज हो चुका है। अभी मैंने गैस का फ्लेम थोड़ा फास्ट किया है, थोड़ा फास्ट में भून लूँगी 1 मिनट। हमने आलू जो कट करके रखा था वो ऐड कर देंगे और साथ ही साथ हम ड्रम स्टिक भी ऐड कर देंगे। इससे मछली का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हमें मसाले के साथ ड्रम स्टिक और आलू को दोनों को भूनना है 2 मिनट। कंटिन्यू भूनने के बाद उसके बाद मैं इसमें 1.5 ग्लास के आसपास पानी ऐड करूँगी, जिससे हमें इसे आलू को गलाना है। अब पहले मैंने 1 गिलास ऐड किया है, उसके बाद मैं 1/2 गिलास पानी ऐड करूँगी। अगर आप सालन नहीं खाना चाहते हैं तो इसमें आप पानी कम ऐड करें और मसाले का क्वांटिटी भी कम कर दें। वापस मैंने पानी ऐड कर दिया है। इस दौरान आप नमक टेस्ट कर सकते हैं। हम अभी ढक्कन को ढक देंगे कढ़ाई का और 10 मिनट तक हम अच्छे से मीडियम आंच पे पकने देंगे। दस मिनट हो चुका है, खोल के चेक कर लिया है मैंने, आलू भी अच्छे से गल चुका है। अभी मैं फ़िश ऐड कर दूंगी। हमने जो फ़िश को फ्राई करके रखा था वो अभी ऐड कर लेंगे। फ़िश को फ्राई करके डालने से एक फ़ायदा और भी होता है कि फ़िश टूटता नहीं है सालन में। अब इसी दौरान हम टमाटर कट किया हुआ डाल देंगे कि वो भी गल जाए मछली के साथ ही। अभी मैं ढक्कन ढक के इसे 5 मिनट तक पकाऊंगी, वो भी मीडियम आंच में। 5 मिनट के बाद मैं गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे हम। गैस का फ्लेम ऑफ़ करने के बाद इसमें इसे मैं 15 मिनट तक गैस के ऊपर ही छोड़ दी थी। इससे बहुत ही अच्छा कलर आ गया था और सब फिश और बटाटा सब अच्छे से गल चुका था। चलिए इसे सर्व करके मिलते हैं आपसे। ड्रम स्टिक फिश करी बनके तैयार हो चुका है। आप सबको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगर आप सबको मेरी वीडियो मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।